नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गीता, आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ। मिस्ट्री ऑफ लाइफ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हर बार हम कोई नया टॉपिक चुनते हैं और उस टॉपिक पे बात करते हैं और आपको नई जानकारी देते हैं, और अमित कपूर जी हमारे साथ होते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम अमित कपूर जी तो हमारे साथ होंगे, लेकिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अमित जी आपकी ईमेल्स का जवाब आज देने वाले हैं इस प्रोग्राम में। आप ईमेल करते रहिए, और जो ईमेल्स हमें आ चुकी हैं उनको हम लेते हैं अभी, और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अमित जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार। तो सबसे पहली ईमेल आई है हमें यूके से जी। इनका नाम है मोहिनी और इनका डेट ऑफ बर्थ है 8th April 1998। मोहिनी 8th अप्रैल 1998 यूके से, और 1998 हाँ जी, यूके से 8th अप्रैल 1998 जी। इनका नाम मोहिनी है और इनका बर्थ प्लेस है पटियाला। ओके। और इनका जो टाइमिंग है दोपहर 12:34 पे, 12:34 दोपहर के पटियाला। सबसे पहले तो मोहिनी जी आपको हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज जब हम शूट कर रहे हैं ये तो 8th अप्रैल है जी, जी, जी। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी हमारी तरफ से भी। भगवान आपको इस सारा साल बहुत तरक्की दे और आने वाला समय आपका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो मोहिनी जी, ये मेरी विश है आपके लिए। तो दूसरी बात, अब आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने ओपन हो गया है, जिसमें कैंसर असेंडेंस का आपका बर्थ चार्ट है और आपका मून साइन जो है वो लियो है, और राहु और मून का आपके कंजक्शन हो रहा है सेकंड हाउस में, सन सैटर्न और मरकरी का कंजक्शन हो रहा है आपके नाइन्थ हाउस में, मार्स आपके ऑन साइन में है। तो इनके क्या क्वेश्चन हैं जी? ये अपनी स्टडी के बारे में पूछना चाहते हैं। एजुकेशन को लेकर तो इनके स्टार्स बखूबी बहुत ही बढ़िया हैं, क्योंकि इनके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मार्स 10th हाउस में ऑन साइन में है। तो एजुकेशन को लेकर शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं। लेकिन मैं एक बार इनकी दशा देख लूँ, क्योंकि सूर्य की दशा इनकी जो है नवंबर 21 में ख़त्म हो रही है और आगे चंद्रमा की दशा आ रही है, और इनका बर्थ चार्ट जो मुझे बता रहा है एजुकेशन को लेकर इवन नवंबर 22 के बाद ज़्यादा अच्छा समय, बेहतर समय आ रहा है जी। और इन्होंने एक और क्वेश्चन किया है मैरिज को लेके। इनका सवाल है कि हमारी जो है मैरिज कब होगी, कौन से ईयर में होगी। हालांकि उन्होंने लिखा है कि मैं अभी नहीं करना चाहती, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं इनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ऐसे है मोहिनी जी, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपके मैरिज के सही पीरियड आ रहा है वो आपका अप्रैल 2022 के बाद आ रहा है, जब जुपिटर पाइसिस साइन में जाएंगे। आपके लिए शादी के योग बहुत अच्छे बनेंगे और उस समय में आपके लिए शादी करना ज़्यादा अच्छा है। अभी आप अपने एजुकेशन में, अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं या कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो आप उस तरफ ध्यान दें, इसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बिकॉज़ यू आर वेरी एजुकेटेड और आपको लाइफ में आगे काफ़ी, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा जाएगा जी। तो मोहिनी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपका जन्मदिवस भी है और आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। अगली ईमेल लेते हैं। अगली है गौरव जी हैं जो कि कनाडा से हैं। इन्होंने अपने बेटे विघ्नेश के लिए पूछा है। अच्छा, जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29/10/2010। वन सेकंड जी, 29th अक्टूबर 2010 जी। हाँ जी। और समय है मॉर्निंग 6:45 AM। ओके ओके ओके, वन सेकंड जी। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस इनका लुधियाना, लुधियाना पंजाब जी। विघ्नेश जी, 29th अक्टूबर 2010 जी। लिब्रा असेंडेंस है जी, मरकरी वीनस और सन इनके फर्स्ट हाउस में है और जेमिनी मून साइन है इनका। दशा जो है इनके चार्ट में इस समय चल रही है, इन्होंने पूछा है कि ये इनका बेटा जो है कौन से स्ट्रीम में आगे जाएगा। देखिए गीता जी, पहली बात तो ये विघ्नेश का हॉरोस्कोप बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप है, शुक्र इनका अपनी राशि का है, फर्स्ट हाउस में मरकरी के साथ है, तो फ्यूचर तो मुझे काफ़ी इनका ब्राइट दिख रहा है, आने वाला कल काफ़ी ब्राइट है, और अभी इनके ऊपर गुरु की दशा चल रही है और 2025-26 से इनके ऊपर शनि की दशा स्टार्ट हो रही है जो 12th हाउस में है। देखिए मुझे 100% 2025 के बाद विघ्नेश की सेटलमेंट फॉरेन में बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है,
जैसे कि ये कहाँ से हैं? ये कैनेडा से। कैनेडा से, तो आप ये समझ के चलें, हो सकता है कि इनका जो बेटा है गौरव जी का, विग्नेश, ये कैनेडा से। गौरव जी कैनेडा से हैं, लेकिन इनका बेटा विग्नेश अभी अच्छा इंडिया में। ओके ओके, इन्होंने ये भी मेंशन किया। तो फिर 2025 के बाद का जो पीरियड है, ये मुझे 100% दिख रहा है कि फॉरेन सेटलमेंट को लेके विग्नेश का बड़ा अच्छा है। और दूसरी बात, क्या करना चाहिए? तो इनके बर्थ चार्ट के हिसाब से जॉब करना इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर ये कुछ अपने एंड पे कुछ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडवोकेट बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, ये लाइंस इनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। क्योंकि जुपिटर भी सिक्स हाउस में ऑन साइन में है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जुपिटर की। तो इनके लिए अगर ये एडवोकेट बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल होगी, मान सम्मान मिलेगा, और फ्यूचर जो है इनका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। आने वाला कल जो है वो मुझे गीता जी विग्नेश का बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और 2025-26 के बाद जब शनि की दशा शुरू होगी तो फॉरेन सेटलमेंट 100% बनता हुआ दिख रहा है। जी गौरव जी, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईमेल करने के लिए। अगली ईमेल है कोमल जी, लुधियाना से हैं। इन्होंने अपनी बेटी ध्वनि के बारे में पूछा है। इनका बर्थ है 29 नवंबर 2007। एक मिनट जी, उनतीस नवंबर 2007। टाइमिंग क्या जी? और समय है 4:48 PM. बर्थ प्लेस लुधियाना। ध्वनि जी 29 नवंबर 2007। जी ये अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हैं कि कैसा रहेगा इसका फ्यूचर। देखें, अभी तो केतु की दशा इनके ऊपर स्टार्ट होनी है, तो पहली बात तो सितंबर 22 के बाद ये ध्वनि को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू ये मुझे रह सकते हैं, दिख रहे हैं कि इनको रह सकते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड वैसी सक्सेस अभी नहीं मिलेगी जो ये चाहते हैं, क्योंकि इनके चार्ट में जो प्लैनेट्स की पोजीशन बन रही है, शनि और केतु की युति है 5 नंबर यानी लियो साइन में 4th हाउस में, और लगन लॉर्ड भी 5th हाउस में जाकर डेब्यूटेटेड है। और आने वाले ईयर में यानी सितंबर 22 से केतु की 7 साल की दशा आ रही है, जो इनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हेल्थ को लेकर अवेयर होके चलें, एजुकेशन को लेकर अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है। इनको मैं एक रेमेडी सजेस्ट करूँगा कि गणेश भगवान की चालीसा रोज़ सुबह पढ़ा करें, डे स्टार्ट करने से पहले वेनसडे के दिन लॉर्ड गणेश जी के टेंपल में विज़िट किया करें, वहाँ जाकर उनको जैसे मोतीचूर के लड्डू ऑफर करें लॉर्ड गणेश जी को, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी कोमल जी, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं, बच्चे की हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा, और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप भी अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है ask@akastrologyzone.com। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ईमेल का इंतज़ार हमें है, आप भी करते रहिए, अपने सवालों के जवाब पाते रहिए। अगली ईमेल है अमित जी, लुधियाना से ही है, पुरुषोत्तम लाल जी हैं। इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा है, इनका नाम लिखना शायद वो भूल गए, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 नवंबर 1981। 9 नवंबर 1981 और समय है मॉर्निंग 5 के करीब का। इन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, इन्होंने लिखा है कि टाइम नियर अबाउट 5 o'clock। बर्थ प्लेस लुधियाना, पुरुषोत्तम लाल जी। इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा है। इनका बेटे का कोई नाम नहीं? नाम लिखना शायद भूल गए। अच्छा जी, सो पुरुषोत्तम लाल जी, जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके अकॉर्डिंग वर्गो सैंडस का चार्ट है, पाइसिस मून साइन है, और 12th हाउस में मार्स है। आपका बेटा एक तो मांगलिक है, दूसरा जो दशा अगर मैं देखूँ, क्योंकि जो दशा का मेन रोल रहता है, तो आप लगा के चलें इनके ऊपर वीनस की दशा चल रही है। वीनस में इस समय चल रहा है राहु, तो आप ये समझ के चलें वीनस इनका 4th हाउस में। क्या क्वेश्चंस हैं इनके? इनका सवाल है कि इनका बेटा जो है पॉलिटिक्स लाइन में जाए या फिर फॉरेन में सेटलमेंट करे, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी लाइन इसके लिए अच्छी रहेगी। अगर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, राहु इनका 11th हाउस में है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जी
सो पुरुषोत्तम लाल जी, अगर आपके बेटा आपका पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो राहु उनका 11th हाउस में है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। फॉरेन रिलेटेड जो योग हैं इनके चार्ट में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईमेल करने के लिए, आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट ईमेल लेते हैं संदीप पॉल जी। जी संदीप पॉल जी, इनकी है 11 जुलाई 1987 जी। टाइमिंग है इनका 2:44 मॉर्निंग, ओके 2:44 AM जी। हाँ AM रात में हुआ था इनका, रात जी जी जी, जी। बर्थ प्लेस मुकंदपुर। स्टेट क्या है? स्टेट इन्होंने नहीं लिखा, मुकंदपुर लिखा है। अच्छा जी। टॉरस असेंडेंस है जी इनका, सेजिटेरियस मून साइन है जी। तो इनके क्या क्वेश्चंस हैं? इनका सवाल है कि मैरिज लाइफ को लेके इनकी थोड़ी डिस्टरबेंस चल रही है, इनकी वाइफ को लेके, वाइफ नाराज होके चले गई है, लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि वो आगे क्या बनेगा। देखें इनके चार्ट में ना 7th लॉर्ड जो मार्स है वो डेब्लिटेटेड है और 7th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड हैं, वीनस भी सूर्य से अस्त है, बिल्कुल 2 शादियों के योग हैं इनके, डिवोर्स तक की पोजीशंस मुझे बनती हुई दिखती है। वैसे इनके ऊपर राहु की दशा नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रही है जो इनके लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे ये दिख रहा है कि इनकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ लिटिगेशंस इनको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि टॉरस असेंडेंस में मार्स वैसे ही मार्केश है और बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 7th हाउस डेब्यूटेटेड इन योर 3rd हाउस विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, और शुक्र भी 12 डिग्री पे है, सूर्य 20 डिग्री पे है, तो अस्त हो रहा है शुक्र भी, तो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो इनके चार्ट में बनती हुई नहीं दिखती। शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ेगा, इस समय जो टाइम चल रहा है वो कुछ स्ट्रगलिंग चल रहा है, डिवोर्स तक का टाइम पीरियड 22 सितंबर से पहले पहले इनका डिवोर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है जी। चलिए संदीप जी, शुभ इच्छाएँ हमारी आपके साथ हैं, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप में से, हम दर्शकों के लिए बोलना चाहते हैं कि अगर आप भी ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है ask@akastrologyzone.com। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सवाल, हमारे हमें ईमेल एड्रेस कर सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं अपने सवाल और हम आपके सवालों के जवाब इसी तरह देते रहेंगे। और अगली ईमेल आई है जी पंकज वर्मा की। पंकज वर्मा, इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1973। जी बर्थ टाइमिंग क्या है? इनका टाइमिंग है 12:05 दोपहर और ये फिलौर से हैं। जी कैप्रिकॉन असेंडेंस है और इनका जो मून साइन है वो टॉरस है जी। क्या जानना चाहते हैं ये चाहते हैं कि इनकी फॉरेन में सेटलमेंट होगी या नहीं, जाना होगा या नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, फॉरेन सेटलमेंट का टाइम है, अगर ये चाहते हैं तो ये फॉरेन सेटलमेंट कर लें, ये पीरियड इनका बड़ा ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है फॉरेन को लेकर, और ख़ास करके अभी जुपिटर भी ट्रांजिट हुए हैं 6 अप्रैल को इनके सेकंड हाउस में, तो 12th लॉर्ड इनका सेकंड हाउस में गया है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई साहब आपका फॉरेन जो है पंकज जी वो योग बहुत अच्छे और ब्राइट हैं, क्योंकि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे है, गुरु की महादशा है और आपके लगन में नीच का बृहस्पति 12वें घर का मालिक नीच का है, तो फॉरेन सेटलमेंट मुझे आपकी बनती हुई दिख रही है जी। अमित जी, इन्होंने एक और क्वेश्चन ये भी किया है कि अगर फॉरेन सेटलमेंट होती नज़र आ रही है तो क्या आप गाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री के लिए ये अप्लाई करें? जी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फार अवे प्लेस हो, जैसे कि ये पंजाब से हैं तो ये अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है जी। तो चलिए पंकज जी, शुभ इच्छाएँ हमारी आपके साथ हैं, भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो चलिए अगली ईमेल ले लेते हैं। अगली है सोनू, 10 मई 1977 ये फीमेल है,
इनका नाम है सोनू और ये पंजाब से हैं, पटियाला से। बर्थ टाइम क्या है इनका? बर्थ टाइम है 6:34 AM मॉर्निंग। बर्थ प्लेस पटियाला जी, पंजाब जी। जी जी सोनू फीमेल, बर्थ प्लेस पटियाला, 6:34 AM जी, 10th of May 1977 जी। क्या जानना चाहते हैं? ये अपनी फॉरेन सेटलमेंट के लिए जानना चाहते हैं। देखिए जी, सूर्य उच्च का फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाकर एग्जाल्टेड हो गए हैं, मरकरी भी साथ में है, लगन लॉर्ड 11th में है, मार्स केतु के साथ, क्या बात है। इनका हॉरोस्कोप बड़ा स्ट्रांग है जी, जुपिटर की दशा ख़त्म है, शनि की चल रही है। शनि बिल्कुल जी, इनके 100% चांसेस हैं फॉरेन सेटलमेंट, इवन पीआर के, मैं बोल सकता हूँ कि फॉरेन पीआर के चांसेस हैं गीता जी, और इनको बड़ी इजीली फॉरेन पीआर मिलेगी। ये एफर्ट्स करें, और मुझे ये दिख रहा है कि ये समझ के चलें आपकी ये 6 अप्रैल के बाद जो टाइम स्टार्ट हुआ है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव शुरू हुआ है 2021 मई, कि अगर ये एफर्ट्स करते हैं तो आने वाले एक साल के अंदर अंदर ये फॉरेन में सेट हो सकते हैं ईजिली। सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए और ईमेल करने के लिए, आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान आप पे कृपा बरसाए रहे। और चलिए अमित जी, समय बहुत हो गया है, ईमेल तो हमारे पास और भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले एपिसोड में इनको लें और दर्शक यूं ही मुस्कुराते रहें, इनके चेहरे पर इसी तरह स्माइल जो है बरकरार रहे अगर हम इनकी ईमेल लेंगे, क्योंकि एक ने हमें भेजा है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम देते रहिए, इनको ये अच्छा लगता है प्रोग्राम, ताकि इनके सवालों के जवाब झट से मिल जाएं। धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद। तो आप फिक्र मत करें, हम इसी तरह से प्रोग्राम किया करेंगे और आपकी पसंद के अनुसार आपके ईमेल लिया करेंगे और आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सीधे सीधे प्रोग्राम के जरिए मिल सकें। तो धन्यवाद आपका, इसी तरह अपना प्यार लुटाते रहें और अपने सवाल इसी तरह भेजते रहें। और अब वक्त आ गया है इजाज़त लेने का, क्योंकि समय बहुत हो गया है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।